ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर जिलाधिकारी ने बेहट पहुंचकर गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गायों की सेहत, उनको दिए जाने वाले चारे के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण के बाद बताया कि यहां पर गायों की सेहत ठीक है, उन्हें दिए जाने वाला सीट भी बेहतर क्वालिटी का है और यहाँ पर सीट के लिए और अनुदान जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल तरीके से गायों को गर्भ धारण कराया जा रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान समय में 2 गाय गर्भ से है और यहाँ पर अभी और गोवंश लाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर पर्याप्त स्थान है। उन्होंने किसानों से पराली न जलाने का आह्वान करते हुए कहा कि जब पराली न जलाओ, यदि उनके पास पराली और पति ज्यादा हो तो वह गाय के चारे के रूप में गौशाला में दे सकते हैं। गायों को निराश्रित गायों को आहार मिलेगा। नहीं, गौशाला ओवरऑल अच्छी परफॉर्म कर रही है, पर्याप्त मात्रा में संख्या में गोवंश वहाँ पर है और गोवंश आने की वहाँ पर गुंजाइश अभी है क्योंकि संख्या निराश्रित की बढ़ रही है। जो इसके लिए हमने एक शेड, एक्स्ट्रा शेड बनाने के लिए पैसा दे दिया है और नया शेड भी वहाँ बन रहा है। पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। गोवंश को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा करके उनको दुधारू जानवरों के रूप में कन्वर्ट करने की व्यवस्था की जा रही है। 2 गाय प्रेग्नेंट भी है वहाँ पर। भूसा चारा पर्याप्त है। आप लोगों के माध्यम से बेहट और अन्य लोगों को, मैं ये गाँव प्रधानों को, लोगों को ये अपील करूंगा कि जो एक पराली है न जलाएं और जो गन्ने की पत्ती है अगर उनके यहाँ पशु नहीं है तो वो गौशाला में पहुंचाए तो निराश्रित गोवंश को खाने को मिलेगा। अच्छा सर, हॉस्टल या